हेलो बच्चों, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी ट्यूटोरियल्स। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं पूरा पिछले एक हफ्ते का निचोड़। ठीक है, मतलब कि पूरा आपको हम करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, 5 से 7 मिनट में पूरा रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद उसी से रिलेटेड MCQs जो भी क्वेश्चन है वो पूछेंगे। लास्ट संडे को मैंने क्या किया था, आपको वन लाइनर करंट अफेयर्स पहले पढ़ाया था, उसका वीडियो अपलोड किया था, बाद में MCQ का। कोई फायदा नहीं है बार बार ये करो वो करो, आपका भी टाइम वेस्ट होगा मेरा भी होगा। उससे बेटर है एक ही वीडियो दो, पहले हम आपको पूरा रिवाइज करा देंगे 5 से 7 मिनट में, उसके बाद हम आपसे MCQ पूछेंगे। उसमें होगा क्या कि आपने एक बार सुना होगा कि हाँ अरे ये अभी सर ने बताया, तो थोड़ा सा आपके दिमाग में घुसेगा। उसके बाद आप MCQ जब देखोगे तो आप आंसर फटाक से कर लोगे। ठीक है, अभी तो क्या होता, अभी तो सब तुक्का, हाँ ए हाँ बी बी सी हाँ सब जो चल रहा है समझ में आ रहा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़, पहली चीज़ तो ये बता देते हैं भाई कि जो है ये जो हम आपको दे रहे हैं अभी, आप हमसे कहोगे यहाँ पर कमेंट में इसका हमें PDF चाहिए। ठीक है भाई, PDF हम अपलोड करते हैं मंथ एंड में, तो पहली चीज़ तो ये हो गई, PDF आपको मिलेगा मंथ एंड में। दूसरी चीज़ जो ये अभी आपको वीकली करंट अफेयर्स MCQ मिल रहा है, 15 जनवरी से ये डेली मिलेगा। डेली करंट अफेयर्स MCQ, ठीक है, इसके अलावा डेली जनरल साइंस MCQ, ये दोनों ही आपको MCQ फॉर्मेट में पढ़ाए जाएंगे। क्योंकि MCQ में क्या रहता है, बच्चे को जल्दी समझ में आता है और आंसर फटाक से कर देता है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो आपको जो है 15 जनवरी से डेली करंट अफेयर्स के MCQ मिलेंगे, डेली जनरल साइंस के MCQ मिलेंगे। ठीक है, और ये जो जनरल साइंस के MCQ हैं ये पूरे पिछले 25 साल का निचोड़ है, मतलब कि जो भी पिछले 25 साल में इस तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, चाहे रेलवे का हो, SSC हो, वहाँ पूछे गए हैं, वही सारे MCQ आपको करवाए जाएंगे। और ये अब मैं नहीं पढ़ाऊँगा आगे से आपको करंट अफेयर्स या जनरल साइंस, इसके लिए एक मैम है, ये मैम आपको पढ़ाएंगी, नैना दुबे नाम है इनका। ये 15 जनवरी से आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाएंगी और डेली जनरल साइंस पढ़ाएंगी MCQ फॉर्मेट में। तो भाई नोट्स वोट्स बनाते चलना, कॉपी वॉपी लेके रखना अपना, पूरा सब अपने हिसाब से पढ़ते रहना। ठीक है, अब चलो हम इस अब जो हमारा जो वीडियो है मेन उस पर आते हैं, सीधे बात करते हैं। चलो, रेडर, तुम रेडर छोड़ दो, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा क्या। पवन सहरावत स्टार्ट फॉर बेंगलुरु, हिंदी में पढ़ते हैं तो तुम्हें भी समझ में आएगा, हमें भी समझ में आएगा, अंग्रेजी तो भाई हमारे ऊपर से जाती। पवन सहरावत के 22 रेड अंक के दम पर बेंगलुरु बुल्स ने प्रो कबड्डी लीग के छठे सत्र के फाइनल में गुजरात फॉर्च्यू जॉइंट्स जियंट्स को हरा कर पहली बार खिताब अपने नाम किया। अब ये सब फालतू चीज़ लिखी है कुछ नहीं, तुम्हें सिर्फ ये पता है कि किसने जीता है प्रो कबड्डी लीग का 6th सेशन। ठीक है, किसने जीता है भाई, बेंगलुरु बुल्स ने, बेंगलुरु बुल्स किसको हराया, गुजरात फॉर्च्यून जियांट्स। दूसरा है, जूलिया जॉर्जेस ने कनाडा की युवा सनसनी बियांका एंड्रस्कू को पराजित कर WTA ऑकलैंड क्लासिक खिताब जीता। तो WTA ऑकलैंड क्लासिक टाइटल किसने जीता है, जूलिया जॉर्जेस। ठीक, देखो यार कहीं से भी उठाओ स्टडी मटेरियल, टाइप भी करो, कुछ भी करो, अगर बनाते भी हैं किसी न्यूज़ से उठाते भी हैं, न्यूज़ चैनल से हम उठा सकते हैं, न्यूज़ की वेबसाइट से हम उठा सकते हैं। ठीक है, कॉपी भी किया है मैंने, चलो न्यूज़ की वेबसाइट से मैं कॉपी करता हूँ। अब क्या होता है भाई, वहाँ पर ऐसे ही लिखा रहता है, छोटी सी चीज़ जो जल्दी समझनी चाहिए उसको लंबा लिख देते हैं। चलो अगला समझते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए टाटा ट्रस्ट के अनुसंगी संगठन कलेक्टिव्स फॉर इंटीग्रेटेड लाइवलीहुड्स इनिशिएटिव्स को प्रतिष्ठित नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड 2018 के लिए चुना गया है। ठीक है, अगला है, भारतीय क्रिकेट टीम ने 71 साल के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर पहली बार ट्रस्ट श्रृंखला जीती है, भाई सभी को पता है। अगला है, भारतीय मूल के अमेरिकी वरुण राय को, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, टेक्सास विश्वविद्यालय के ऊर्जा संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। नाम क्या है भाई, वरुण राय, याद रखिएगा, वरुण राय को टेक्सास विश्वविद्यालय के ऊर्जा संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के नौकरियों के लिए नौकरी और शैक्षणिक संस्थान में 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। आप सभी को पता है कितना है, 10%। ठीक है, देखो टाइम नहीं वेस्ट करना, जल्दी जल्दी पढ़ना है। राष्ट्रीय चैंपियन एशिया की नंबर एक खिलाड़ी अनहत सिंह ने अंडर 11 बालिका वर्ग की ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश प्रतियोगिता का खिताब जीता है। नाम क्या है भाई, अनहत सिंह, बहुत छोटी सी हैं ये, अभी ये 9 साल की हैं, 8 या 9 साल की,
और इन्होंने जीता अंडर 11 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश इवेंट। ठीक है, बंधन बैंक ने भाई ग्रह फाइनेंस को अधिग्रहण करने पर सहमति जताई है, मतलब कि खरीदने पर तैयार हुआ है, एक्वायर करेगा। बंधन बैंक इसको एक्वायर करेगा, ग्रह फाइनेंस। विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। क्या नाम है भाई इनका, विश्व बैंक के प्रेसिडेंट, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट जिम योंग किम। इसके अलावा देखिए, विश्व बैंक की मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ कौन है भाई, ये नाम याद रखना, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ये वर्ल्ड बैंक की सीईओ हैं। ये 1 फरवरी को संस्था के अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी लेंगी। ठीक है, अंतरिम मतलब कि परमानेंट नहीं होता है, कुछ टाइम के लिए होता है, इंटरिम जिसको बोला जाता है, वही चीज़ है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने घोषणा की कि यूएसए क्रिकेट इसका 105वां सदस्य बन गया है। अब यूएसए को भी इन्होंने मेंबर बना दिया है, मतलब कि यूएसए भी अब क्रिकेट खेल सकेगा। कौन सा मेंबर है, 105वां। ठीक, आगे चलते। शरद कमल ने भारत के अपने साथी जी साथियान को हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीतकर कमलेश मेहता का वर्षों पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। तो किसने जीता है भाई राष्ट्रीय टेबल टेनिस का खिताब, क्या नाम है, शरद कमल। ठीक, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन अभियान www, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या है, वेब वंडर वूमेन। ये www का जो एब्रिविएशन है फुल फॉर्म, ये ध्यान रखना, वेब वंडर वूमेन। इस अभियान का उद्देश्य उन महिलाओं को खोजना, उनके साधारण उपलब्धियों को मान्यता देना है जो सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का सार्थक एजेंडा चला रही हैं। आगे आ जाओ, वरिष्ठ नौकरशाह जयदीप गोविंद को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव नियुक्त किया गया है, क्या नाम है, जयदीप गोविंद। ठीक है भाई, किसके बनाए गए हैं सेक्रेटरी जनरल, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, जयदीप गोविंद। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन अशोक चावला ने तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेपाल के सेना प्रमुख जनरल पूर्ण चंद्र थापा को भारतीय सेना के जनरल की मानद पदवी, क्या नाम है, नेपाल के जो सेना प्रमुख हैं, जनरल पूर्ण चंद थापा, ठीक है, भारतीय सेना के जनरल की मानद पदवी से सम्मानित किया। यस बैंक ने ब्रह्म दत्त को अपना अंशकालिक गैर कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया है, ये भी कुछ टाइम के लिए है, पार्ट टाइम, परमानेंट आएगा जो अपॉइंट होगा वो हम आपको बता देंगे जब होगा, अभी फिलहाल ये हैं ब्रह्म दत्त। प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी इंफोसिस के निदेशक मंडल ने किरण मजूमदार शॉ को मुख्य स्वतंत्र निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया है। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाई गई हैं दूसरी बार, क्या नाम है, किरण मजूमदार शॉ। किसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, इंफोसिस की। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बेंगलुरु में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। अब क्वेश्चन ऐसे ही तो पूछे जाते हैं, अब पूछ लेगा इसरो ने भैया कहाँ पर ये मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, बेंगलुरु, बस। ठीक है, अगला है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद बैस्य को 2022 टोक्यो ओलंपिक के लिए सेफ डे मिशन के रूप में नामित किया गया है, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। बैंकर से नेता बनी मीरा सान्याल का निधन हो गया है, वह 57 वर्ष की थी। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वैन ने सुत सेंग चैंग को देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया, अब बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देश के प्रधानमंत्री कौन है भाई, सुत सेंग, ये लिखा है नाम, सुत सेंग चैंग, ये हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ताइवान के प्राइम मिनिस्टर सुत सेंग चैंग, और जो राष्ट्रपति हैं जिन्होंने शपथ दिलाई है या जिन्होंने नियुक्त किया है उनका नाम है साई इंग वैन। ठीक, वैसे नाम ऐसा है बड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन फिर भी भाई पढ़ना तो है ही, क्या किया जाए। विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना, 1975 में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। विश्व हिंदी दिवस पहली बार 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था। ठीक है, सम्मेलन हुआ था, सम्मेलन की जो एनिवर्सरी होती है उस पर ही मनाया जाता है, और सम्मेलन कब हुआ था, 1975 में, लेकिन पहली बार जो वर्ल्ड हिंदी डे मनाया गया है वो मनाया गया है 10 जनवरी 2006 को। अब यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लीजिए, विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूरी तरह से अलग है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है।
ठीक है, नेशनल हिंदी डे जो होता है ये 14 सितंबर, और वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी। अब आगे पढ़ लेना जो भी लिखा। पूरे देश में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, यहाँ लिखना चाहिए मनाया गया है, ठीक है। और ये है क्या, नेशनल यूथ डे 2019 स्वामी विवेकानंद की 156वीं जयंती है। ये आप सभी को पता है स्वामी विवेकानंद की बर्थ डेट जो होती है उसी को मनाया जाता है, उसी को बोलते हैं नेशनल यूथ डे। आगे आ जाओ भाई, उद्योगपति गोदरेज समूह के अध्यक्ष आदि गोदरेज को ट्रांसलेटिंग एक्सीलेंस इन कॉरपोरेट गवर्नेंस इंटू रियलिटी के लिए ICSI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन देता है ये पुरस्कार? ICSI क्या है? द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। अगली न्यूज है, दक्षिण अफ्रीका के हर फॉर्म वाला खिलाड़ी एलबी मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी। अगली न्यूज है, नई दिल्ली में GST परिषद की 32वीं बैठक संपन्न हुई। कंपोजिशन स्कीम के लिए वार्षिक टर्नओवर की सीमा 1 अप्रैल 2019 से 1.5 करोड़ रुपए तक बढ़ गई है। परिषद ने GST पंजीकरण सीमा को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, पहले 20 लाख के ऊपर जब आपका इनकम हो जाता था तब आपको GST पे करना पड़ता था 18%, अब उसको 20 लाख को आपको कर दिया गया 40 लाख, ठीक है। आगे आ जाइए, स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और बेलिंडा बैनकिक ने जर्मनी के एंजेलिक कर्बर और अलेक्जेंडर ज्वरेव को हराकर लगातार दूसरे वर्ष होपमैन कप जीत लिया है। तो होपमैन कप समझ गए किसने जीता, रोजर फेडरर और बेलिंडा बैनकिक, ये दोनों ही स्विट्जरलैंड के हैं। 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन फेडरर 3 होपमैन कप जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं, ठीक है। 2 बार बैनकिक के साथ जीता, 1 बार मार्टिनेंगिस के साथ। सरकार ने 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, पंजाब ग्रामीण बैंक, मालवा ग्रामीण बैंक, सतलुज ग्रामीण बैंक को एक ही RRB में सम्मिलित कर दिया है। ठीक है, नाम याद रखना, पंजाब ग्रामीण बैंक, मालवा और सतलुज। शेख हसीना ने चौथे कार्यकाल के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। कौन सा टर्म है भाई, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, 4th टर्म और लगातार बनी है। राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद ने ढाका में शेख हसीना को पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद अब्दुल हमीद, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। कौन सा टर्म है? 4th टर्म। ऐसे ही तो क्वेश्चन बनते हैं यार। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा प्रमुख और वरिष्ठ IPS अधिकारी कुमार राजेश चंद्र को SSB सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये सभी को पता होगा, आप सभी को, क्या नाम है? कुमार राजेश चंद्र, SSB, इसके बनाए गए हैं DG, जिसको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल महानिदेशक। पहली बार 2 दिनों तक चलने वाले ग्लोबल एविएशन सम्मेलन, ठीक है, ये ग्लोबल एविएशन समिट 2019 मुंबई में चल रहा है, 15 से 16 जनवरी में होगा। फ्लाइंग फॉर ऑल विषय के साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा फिक्की के साथ मिलकर 15-16 जनवरी 2019 से मुंबई में आयोजित किया जाएगा। ग्लोबल एविएशन समिट 2009 मुंबई में होगा, ये है उसकी थीम, फ्लाइंग फॉर ऑल, ठीक। अगला है, सौर ऊर्जा क्षेत्र में दूरदर्शी। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महासंघ के अध्यक्ष प्रणव आर मेहता ने ग्लोबल सोलर काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला, ठीक भाई, नाम याद रखना, प्रणव आर मेहता। GSC है क्या? ग्लोबल सोलर काउंसिल, इसके बने हैं प्रेसिडेंट और ऐसे बनने वाले वो पहले भारतीय हैं। 7 बार के चैंपियन मिश्र ने अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस के 2019 संस्करण के लिए मेजबानी के अधिकार जीत लिए। मतलब कि अब जो नेक्स्ट टाइम जो ये होगा अभी 2019 का अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस, होस्ट कौन करेगा भाई? इजिप्ट, ठीक है। सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैज ऑफिशियली बिगन इन पुणे महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र के पुणे में शुरू हो गया है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और पाकिस्तानी कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई ने नई किताब लिखी जिसका शीर्षक है वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये नाम याद रख लेना। राइटर कौन है? मलाला यूसुफजई, ठीक। अगला है, लिवरपूल के मोहम्मद सलाह को 2018 कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉलर प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। लगातार दूसरे वर्ष उन्होंने यह पुरस्कार जीता है। क्या है भाई पुरस्कार का नाम? क्या, पहले तो नाम ही पढ़ लो भाई, इतना बड़ा 2018 कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर, नाम क्या है? मोहम्मद सलाह। अगला है, भारत के सबसे लंबे 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने किया। ऊपरी सियांग जिले के यिंगक्योनग में सियांग नदी पर, ये नदी का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, रिवर का नाम, सियांग नदी पर बने पुल का नाम भायोरुंग ब्रिज रखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रिज का नाम और किस नदी पर बना है ये याद रखना, सियांग नदी पर भायोरुंग ब्रिज।
ठीक है, ये डोनर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई 48.43 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। पुल ये क्योनेक से टूटिंग की दूरी लगभग 40 किलोमीटर कम कर देगा। डोनर DONER, डिपार्टमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अगला है, निकोलस मादुरो को लैटिन अमेरिकी देश के आर्थिक और मानवीय संकट से जूझ रहे वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल की शपथ दिलाई गई। तो कौन बन गए भाई? निकोलस मादुरो, ठीक है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति बन गए हैं निकोलस मादुरो, वेनेजुएला। ठीक, आगे चलो। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद बैस को, ये शायद हम पढ़ा चुके हैं, अभी पीछे था ये, 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए सेफ डे मिशन नामित किया गया है। अगला है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार, ठीक है, ये पासपोर्ट की रैंक जारी करता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत ने 2018 में 81वें स्थान से 2019 में 79वें स्थान की दो स्थान बढ़त प्राप्त की। मतलब कि अगर बात की जाए तो पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है अब कितनी हो गई है, 79, पिछले साल 81 थी लेकिन अभी लेटेस्ट में ये 79 पर आ गई। जापान भाई पहले नंबर पर है, जापान बोला गया है, जापान ने दुनिया के सबसे अधिक यात्रा के अनुकूल पासपोर्ट के रूप में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। चीन ने 2017 में, चीन आ गया है 69 प्लेस पर, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी IATA द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा पर आधारित है और इसमें 199 पासपोर्ट और 227 यात्रा गंतव्य शामिल हैं, मतलब कि डेस्टिनेशंस। इसके बाद MC मैरीकॉम ने अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA की नवीनतम विश्व रैंकिंग में नंबर एक स्थान प्राप्त कर लिया है। हो गई भाई, ये हो गई पूरा पिछले हफ्ते का करंट अफेयर्स। अब तैयार हो तुम क्वेश्चन के लिए? हैं, तो हो गए करंट अफेयर्स, बस अब आते हैं MCQ पर। अब तुमने थोड़ा सा जो भी अगर वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो तुम इसके आंसर्स ज़रूर कर लोगे। कुछ हो सकता है कि कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे हो जो मैंने शायद इस वीडियो में ना बताया हूँ, लेकिन फिर भी तुम कोशिश करना। चलो पहला क्वेश्चन, कौन भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम FEOA के तहत विशेष अदालत की सुनवाई के मामलों में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित होने वाला पहला व्यक्ति बना है? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के तहत पहला फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कौन है भाई, जल्दी से बताओ? विजय माल्या, ठीक है, पहले व्यक्ति हैं ये, मिस्टर विजय माल्या। दूसरा, विश्व पुस्तक मेला हाल ही में कहाँ शुरू किया गया, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ भाई, नई दिल्ली, ठीक है। इसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ शुरू किया गया, कहाँ शुरू हुआ, जल्दी बताओ। ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी तक, तीन क्वेश्चन हैं जो हमने तुम्हें अभी इस वीडियो में पढ़ाए नहीं हैं, मतलब चाहते वही हो कि जो हम पढ़ाएं तुम्हें वही मिले क्वेश्चन में, भाई ऐसा नहीं हो सकता है, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है भाई, अहमदाबाद, ठीक है। इनमें से कौन तीन हॉपमैन कप जीतने वाला पहला खिलाड़ी बना है? अब ये तो सुने होंगे कि हाँ हाँ ये सर ने बताया है, जल्दी बताओ भाई, रोजर फेडरर। अगला है, हाल ही में सरकार ने तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का आपस में विलय कर दिया, तीन बैंक कौन से हैं, बताओ भाई जल्दी बताओ, तीन नाम कौन कौन से हैं, कोई बता सकता है? हाँ, ऑप्शन बी, पंजाब, मालवा और सतलज, ठीक है, पंजाब, मालवा और सतलज। अगला है, हाल ही में सरकार ने सवर्णों के लिए जो आरक्षण लागू किया है उसमें अधिकतम वार्षिक आय कितनी होने पर इस आरक्षण का लाभ मिलेगा, बता सकता है आप में से कोई, जल्दी से बताओ। बताओ भाई कितना है, 8 लाख, ठीक है। शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और ये प्रधानमंत्री के तौर पर उनका कौन सा टर्म है, मतलब कितनी बार बनी है ये भी आपको पढ़ाया है भाई, 4th टर्म, ठीक, आगे आ जाओ। चलो इसका आंसर, तो मलेशिया के किस राजा ने 6 जनवरी 2019 को राजगद्दी छोड़ दी, जिसके साथ ही वह कार्यकाल पूरा होने से पहले राजगद्दी त्यागने वाले पहले राजा बन गए। नेम द मलेशियन किंग हु हैज एबडिकेटेड आफ्टर 2 ईयर्स ऑन द थ्रोन, द फर्स्ट टाइम अ मोनार्च हैज स्टेप डाउन बिफोर कंप्लीटिंग दियर 5 ईयर टेन्योर, नाम बताओ भाई जल्दी बताओ, मोहम्मद 5, ठीक है, मोहम्मद 5, ये है इसका करेक्ट आंसर,
सभी ने सुना होगा ये न्यूज़। विश्व बैंक के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, ये भी हमने आपको पढ़ाया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट हु हैज़ रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट? आंसर इज जिम योंग किम। अगला है, इनमें से किसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? जल्दी से नाम बताओ भाई, आंसर करो। आंसर है गीता गोपीनाथ। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू हेड द ग्लोबल सोलर काउंसिल GSC? इनमें से कौन ग्लोबल सोलर काउंसिल के प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय हैं? बताओ भाई नाम, ये भी पढ़ाया है भाई, नाम बताओ। प्रणव आर मेहता। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा या कर रहा? विच सिटी इज होस्टिंग द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स? जल्दी बताओ भाई कहाँ पर हो रहा है। पणजी, नागपुर, पुणे, मनाली, कोची, कहाँ हो रहा भाई? पुणे। ठीक है, अगले पे चलते हैं। द टू डे लॉन्ग ग्लोबल एविएशन समिट 2019 विल बी हेल्ड एट? दो दिवसीय वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? 15 और 16 जनवरी को होगा, हमने आपको बताया है कहाँ होगा, आंसर दे दो भाई। मुंबई, सही है। चलो अगले पे आते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ ग्लोबल एविएशन समिट 2019? ग्लोबल एविएशन समिट 2019 का विषय क्या है या थीम क्या है, ये भी हमने उसमें आपको बताया, जल्दी बताओ। फ्लाइंग फॉर ऑल। ठीक है, अगला, इनमें से किसको सशस्त्र सीमा बल का प्रबंध निदेशक बनाया गया? हु ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज DG ऑफ सशस्त्र सीमा बल? बताओ जल्दी से। क्या है आंसर भाई? कुमार राजेश चंद्रा। नॉर्वे की प्रधानमंत्री का क्या नाम है जो हाल ही में भारत में 3 दिवसीय यात्रा के लिए आई हैं? नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे हु हैज अराइव्ड इन न्यू दिल्ली ऑन अ 3-day स्टेट विजिट टू इंडिया। कौन है भाई नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर? न्यूज़ पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो भाई कर लोगे। एर्ना सोलबर्ग, ठीक है, ये है इनका नाम, नॉर्वे की प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग। अगला है, हॉटस्टार के किस पूर्व CEO ने फेसबुक इंडिया को उपाध्यक्ष और MD का कार्यभार संभाल लिया? हु ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज MD एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फेसबुक इंडिया? जल्दी आंसर बताओ। आंसर इज अजीत मोहन। ठीक है, अगला, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताओ भाई, किसी को आंसर आता है तो बताओ। सेना दिवस परेड कार्यक्रम में पहली बार सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली महिला ऑफिसर का क्या नाम है? सेना दिवस बोले तो आर्मी डे कब मनाया जाता है, किसी को पता है? 15 जनवरी। तो अभी जो मंडे को 15 जनवरी को आर्मी डे हो रहा है, वहां पर जो सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली, इस बार ये इंडिया के हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि कोई फीमेल ऑफिसर उसको लीड करेगा, तो उस फीमेल ऑफिसर का नाम क्या है? आंसर है भावना कस्तूरी। ठीक है, अब थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लो। 15 जनवरी को हर साल की तरह आर्मी डे मनाने जा रहा है। इस मौके पर आर्मी सर्विस कोर पूरे 23 साल बाद फिर से आर्मी डे की परेड में शामिल होने जा रहा है। साथ ही पहली बार इस मौके पर आर्मी परेड का नेतृत्व एक महिला ऑफिसर करेंगी। लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी आर्मी सर्विस कोर के 144 जवानों को लीड करेंगी। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत इसकी सलामी लेंगे। इसके अलावा दो और महिला अफसरों की भूमिका इस आर्मी डे पर होने वाली है। उनका नाम है कैप्टन शिखा सुरभि, कैप्टन भावना श्याल। ठीक है, जो स्टंट वगैरह होते हैं उसमें ये लोग लीड करेंगे, कैप्टन शिखा सुरभि और कैप्टन भावना श्याल। तो नाम याद रखना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नाम याद रखोगे, भूलना नहीं, भावना कस्तूरी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो यार, जो कुछ भी पढ़ा दिया हो गया ख़त्म, बस जो कुछ भी पढ़ा दिया, अगर तुम्हें लगता है कि कुछ गलत बता दिया है, कहीं बाई मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कुछ हो गया हो, तो हमको बता दिया करो, प्यार से बताया करो भाई, तो हम उसको कमेंट को पिंड कर दिया करेंगे, ठीक है, ताकि सारे लोग पढ़ लें। अब तुम ज़बरदस्ती, पढ़ाना नहीं आता है, गलत पढ़ाते हो, चलो तुम्हारी मर्ज़ी है, बोलते रहो।
ठीक है, तो फिर अब 15 जनवरी से आपको डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज मिलेंगे और डेली जनरल साइंस एमसीक्यूज। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।